रामपुर में उपचुनाव चल रहा है और इस वक्त हम रामपुर के नगर विधानसभा क्षेत्र के नोगवा गांव में और यहां पर जनता की चौपाल रामपुर के चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी के आसिम राजा हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना। लेकिन इस जीत की चाबी है रामपुर की जनता के पास और मेरे साथ देखिए ये रामपुर की जनता खड़ी हुई है, ये वोट करने वाली जनता है और हम जानेंगे जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है जनता, किधर जाना चाहती है जनता। भाई साहब क्या हालचाल है? ठीक है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू सागर। सोनू साहब क्या माहौल है रामपुर में? माहौल साहब इस समय तो बीजेपी का ही है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि साहब सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक उन्हीं की है और यहाँ पे अगर विधायक जिताते भी हैं तो कोई फायदा नहीं होगा समाजवादी का, इससे बीजेपी को जिताने में फायदा होगा। क्या फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा, कोई सरकार काम थोड़ी दे देगी समाजवादी वाले को। अच्छा अच्छा, आप विकास चाहते हैं? मतलब विकास चाहिए। अच्छा, जो सत्ता है उसके साथ जाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पहले ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सपा में थे आप? हाँ, पहले सपा में थे, अभी आए बीजेपी में। जी क्यों? क्योंकि साहब आप विकास चाहिए ना गाँव को, गाँव को विकास चाहिए और वो विकास अगर हमारे हम आजम खान को वोट देते हैं आसिम राजा जी को तो उनको जीत के बेकार होना है, वहाँ पे जीतने के बाद बेकार ही है वो, तो इसलिए बीजेपी को वोट देना फायदा होगा। आप सपा से जुड़े हुए थे, आप बता रहे हैं आजम खान की साख भी तो एक तरफ दाव पे लगी है, आजम खान 10 बार के विधायक। तो सर अब क्या करा जाए, अब साख पे लगी है, सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो अब जाना ही पड़ेगा। तो इस बार बीजेपी चुनी है आपने? जी सर। तो भाई इन्होंने बीजेपी चुनी है भाई। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी कमल सिंह। कमल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, ठीक। ये बताइए कमल भाई, रामपुर में चुनाव चल रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के आसिम राजा जी, एक तरफ है आकाश सक्सेना बीजेपी से जी, मूड क्या है जनता का? जनता का मूड तो यह है कि जो सरकार इस समय मौजूदगी में तैयार है वही बनना चाहिए और वही आना चाहिए इस समय। वही आना चाहिए, वही आना चाहिए इस टाइम, क्योंकि दूसरी पार्टी को वोट देकर कोई हासिल वसूल भी नहीं होगा। अच्छा जी, मूड बना लिया? जी जी हाँ, पिछली बार बहुजन में थे हम, इस बार इसमें आ गए। अच्छा, समय के साथ साथ जो है आपने जी जी पार्टी चेंज कर दी? पार्टी चेंज कर दी गई जी। तो आजम खान को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कोई बिना नहीं, बस पार्टी के वो है, बस इसकी वजह से कि अब मतलब काम धाम है, ये पार्टी है, इस समय काम धाम भी मिल जाएगा। जैसे अब गाँव की कोई भी समस्या है वो सब अब जब पार्टी में है तो उनसे ही हल होगी ना, इस समय पार्टी बढ़िया आदमी है आजम खान। लेकिन वोट? वोट, अरे वोट क्या क्या वोट, अब इस बार तो इन्हें देना है बस। किसको? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को वोट जी जी। क्या काम करते हैं? मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।